आज सोनीपत में शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती परशुराम युवा परिवार समिति ने मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुजीत आजाद व उनके सुपुत्र अमित आजाद पहुंचे। सुजीत आजाद ने कहा कि आज का युवा अगर अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चले तो देश फिर से सोने की चिड़िया होगा। सुजीत आजाद ने कहा कि आज की सरकार आजाद के सपनों का भारत बनाने में लगी हुई है और पिछली कांग्रेस की सरकार ने इस देश को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। मैंने पूरे भारत की ट्रेनों पे, इंजनों पे तिरंगे मेरी शान तिरंगा अभियान के तहत लगवा दिए हैं और आगामी 15 अगस्त को DTC की बसें दिल्ली प्रदेश में उन पे 3x1 का तिरंगा लग जाएगा। इसकी वार्ता हो चुकी है हमारी मंत्रालय में और हमारी बात वर्तमान सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं और पूर्ण कर रही है सरकार। भ्रष्टाचारी हो रहे हैं जेल में और उनको होगी मौत की सज़ा, बचेगा कोई नहीं। भारत में अब बदलाव आया है, ये आपको मानना पड़ेगा और बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारा युवा जागा है, सबसे बड़ा यूथ जागना। जिस देश का युवा जागा है उस देश से संकट भागा है, उस समय भी भागा था, इस समय भी भाग रहा है। हम आज़ाद हुए जरूर हैं लेकिन चंद गद्दारों की वजह से। आज पुलवामा के शहीदों का मामला ले लें, कहीं से भी कहीं बाहर से RDF नहीं आता, हमारे देश के चंद गद्दार ठगबंधन गठबंधन बना के बदनाम करते हैं, 55 महीने के सबूत मांगते हैं। एक सच्चे देशभक्त से, भारतीय नागरिक से, उनको वंशवाद की राजनीति प्यारी थी। 43 वर्ष राज किया उन्होंने, उन्होंने क्या दिया है देश को, सिर्फ लूटा है, बांटा है। हम बांटने नहीं देंगे देश को। 29 राज में हम काम कर रहे हैं। मैं पंडित सुजीत आजाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष HRA वही संस्था जो काकोरी कांड की थी। आज यादवेंद्र बेटा मेरा भगत सिंह बिगड़ के रह रहा है, आज भी भगत सिंह आजाद अलग नहीं, जितने बेटे मेरे खड़े हैं भारत के अंदर, मेरी मात खड़ी वीरांगना लक्ष्मी भाई बनाना है उनको। उनके हाथों में तलवार दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। पंडित चंद्रशेखर आजाद के सुपुत्र अमित आजाद ने परशुराम युवा परिवार समिति द्वारा आज मनाई गई चंद्रशेखर आजाद जयंती के कार्यक्रम को सराहा और कहा इस तरह से कार्यक्रम करने पर युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। सबसे पहले तो भाई प्रदीप अत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इन सारे युवाओं को बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया है और सोनीपत के अंदर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती का जो आगाज उन्होंने किया है, निश्चित रूप से भावी भविष्य गढ़ेगा हमारे देश के लिए। पुनः मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीखें कैसे उन्होंने सब कुछ देश के लिए दांव पर लगा दिया था, उसी तरह से जो हमारे देश के युवा हैं वो भी अपना सब कुछ भूल करके एकम सत्यम विप्रा भूता वदंती के सिद्धांत पर चलें, क्योंकि हो सकता है सत्य के मार्ग सबके अलग अलग होते हैं पर सत्य एक ही होता है, यही मेरा संदेश है। अच्छा तो देखिए, जो भारत का युवा है मैं बता दूं आपको, 1,96,53,119 साल हमारी संस्कृति को चल रहा है। भारत के पास सिर्फ उसकी संस्कृति है, दूसरे भी देश जानते हैं उसकी संस्कृति के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ का जो युवा है उसी संस्कृति को आज ही पालन कर रहा है, पर कुछ पाश्चात्य सभ्यता, मैं नहीं कहता युवा गलत है, पर पाश्चात्य सभ्यता और कुछ गलत जीवन शैली उनको एक नया मार्ग दे रही है, नए मार्ग। जैसे पंजाब में आपने देखा होगा नशा किस कदर आज हावी हो चुका है, क्योंकि अभी हरियाणा में भी अभी संत गोपाल दास जिसके लिए अनशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस नशे से हमारे देश के युवा को दूर रहना चाहिए, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है। कहीं ना कहीं देश का युवा बस भटक रहा है, बाकी वो चंद्रशेखर आज़ाद के मार्ग पर चलने की सिर्फ उसको प्रेरणा चाहिए, उसको एक नेतृत्व करने वाला चाहिए। परशुराम युवा परिवार समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अत्री ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से पंडित चंद्रशेखर आजाद जयंती को मना रहे हैं और सोनीपत के युवा तिरंगा यात्रा में वह जयंती में भाग ले रहे हैं। अनिल अत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से युवा व आम जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। आज जो चंद्रशेखर जयंती मनाई जा रही है शहीदों की याद में और चंद्रशेखर आजाद की याद में मनाई जा रही है। हमारे साथ उनके पुत्र अमित आजाद जी, भाई सुरेंद्र पवार जी, उनकी याद में श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। वंदे मातरम। कंचन TV के लिए सोनीपत से कैमरामैन सोनू के साथ संजीव कौशिक की रिपोर्ट।